एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स में जितने भी सीपीयूज यूज किए जाते हैं, मोस्ट कॉमनली वो कॉलकॉम स्नैपड्रैगन के ही होते हैं, जिन्हें सारी कंपनियां यूज करती हैं। फॉर एग्जांपल सैमसंग, शाओमी, रियलमी, आसूस, वन प्लस और लगभग सभी। और इसके भी काफ़ी हाई चांसेस हैं कि मोस्ट प्रोबेबली आपके स्मार्टफोन में भी कॉलकॉम का ही कोई प्रोसेसर यूज़ किया हुआ होगा। अगर हम फिलहाल बात करें तो मार्केट में फ्लैगशिप लेवल की, तो स्नैपड्रैगन 865 कॉलकॉम का सबसे लेटेस्ट और मोस्ट पावरफुल स्मार्टफोन चिपसेट है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं स्नैपड्रैगन के 800 सीरीज की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं पहले प्रोसेसर से, तो बात करते हैं स्नैपड्रैगन के 800 प्रोसेसर की, जिसे अनाउंस किया गया था January 8, 2013 को, जो आता है एड्रेनो 330 जीपीयू के साथ। इसमें USB 2.0 और 3.0 को देखने को मिलता है हमें। क्वालकॉम का क्विकचार 2.0 का सपोर्ट करता है ये। तो ये रहे कुछ स्मार्टफोन जिन्होंने अपने फ़ोन्स में स्नैपड्रैगन 800 प्रोसेसर यूज़ किया था, जो थे शाओमी Mi 3, LG G Pro 2, जियोनी Eli V7, LG Nexus 5, नोकिया लुमा 930, सोनी एक्सपीरियंस Z1 कॉम्पैक्ट। वहीं बात करें स्नैपड्रैगन 801 की, तो उसे अनाउंस किया गया था February 24, 2014 को। इसे डिज़ाइन किया गया था फास्ट प्रोसेसिंग के लिए, एडवांस कनेक्टिविटी के लिए और अच्छी बैटरी लाइफ के लिए, अगर कंपेयर करें स्नैपड्रैगन 800 प्रोसेसर से। तो जिन स्मार्टफोन्स में स्नैपड्रैगन 801 यूज़ किया गया था, मोटोरोला मोटो एक्स सेकेंड जनरेशन, शाओमी का Mi 4 और सोनी एक्सपीरियंस Z3। अब आगे बात करते हैं स्नैपड्रैगन 805 प्रोसेसर की, जिसे अनाउंस किया गया था November 20, 2013 को, जो आता है एड्रेनो 420 GPU के साथ। तो ये रहे कुछ स्मार्टफोन जिन्होंने अपने फ़ोन्स में स्नैपड्रैगन का 805 प्रोसेसर यूज़ किया था, जो थे मोटोरोला मोटो टर्बो, सैमसंग गैलेक्सी नोट एज। यहीं बात करें कि स्नैपड्रैगन 808 और 810 की, तो उन्हें अनाउंस किया गया था April 7, 2014 को। और स्नैपड्रैगन 808 में हमें देखने को मिला था एड्रेनो 418 का GPU, जो कि था 20 नैनोमीटर मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के साथ। तो ये रहे कुछ स्मार्टफोन जिन्होंने अपने फ़ोन्स में स्नैपड्रैगन 805 प्रोसेसर यूज़ किया था। पहला है ब्लैकबेरी प्रिव, माइक्रोसॉफ्ट लूमिया 950। वहीं बात करें स्नैपड्रैगन 810 की, तो इसमें हमें एड्रेनो 430 का GPU देखने को मिलता है, और इसे इस्तेमाल किया गया था OnePlus 2, सोनी एक्सपीरियंस Z3+, गूगल नेक्सस का 6P। अब वहीं बात करें स्नैपड्रैगन के 820 प्रोसेसर की, जिसे अनाउंस किया गया था मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में March 2015 को। तो ये रहे वो कुछ स्मार्टफोन जिसमें 820 प्रोसेसर यूज़ किया गया था, LG G5, Xiaomi का Mi 5, सोनी एक्सपीरिया का XZ। बात करें स्नैपड्रैगन के 821 प्रोसेसर की, तो हमें इसमें देखने को मिलता है 10% का मोर इम्प्रूवमेंट परफॉर्मेंस ओवर द 820 ड्यू टू अ फास्टर क्लॉक CPU। स्नैपड्रैगन का 821 प्रोसेसर हमें देखने को मिलता है एड्रेनो के 530 GPU के साथ। इसके साथ ही कुछ अलग फीचर्स की बात करें, तो हमें इसे वीडियो कैप्चरिंग में देखने को मिलती है 4K अल्ट्रा HD वीडियो रिकॉर्डिंग विद 30 FPS के साथ। और इसके साथ ही हमें इसमें देखने को मिलता है क्विक चार्ज 3.0 का सपोर्ट और UFS 2.0 का। तो OnePlus 3T, गूगल पिक्सल XL और ASUS का Zenfone AR। अब इसके बाद हम बात करते हैं स्नैपड्रैगन 835 प्रोसेसर की, जिसे अनाउंस किया गया था November 17, 2016 को, जो आता है एड्रेनो 540 GPU के साथ। इसमें हमें देखने को मिलता है 4K अल्ट्रा HD वीडियो कैप्चरिंग विद 30 FPS। अगर वीडियो प्लेबैक की बात करें, तो इसमें हमें देखने को मिलता है 4K अल्ट्रा HD वीडियो प्लेबैक। ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट तो होता ही है, और क्वालकॉम का क्विक चार्ज 4 का भी सपोर्ट है। अब बात करें कुछ स्मार्टफोन्स की जिन्होंने अपने स्मार्टफोन में 835 प्रोसेसर यूज़ किया था, वो है LG का V30+, Xiaomi का Mi Mix 2, Nokia 8। अब बात करते हैं स्नैपड्रैगन 845 प्रोसेसर की, जिसे अनाउंस किया गया था December 7, 2017 को। अगर GPU फीचर के बारे में बात करें, तो इसमें देखने को मिलता है एड्रेनो का 630 ग्राफिक्स, जो सपोर्ट करता है HDR10 को। वीडियो रिकॉर्डिंग के मामले में बात करें, तो इसमें देखने को मिलता है 4K अल्ट्रा HD विद 60 FPS। तो ये रहे कुछ ब्रांड्स जिसमें आपको स्नैपड्रैगन 845 प्रोसेसर देखने को मिला था, जैसे Xiaomi का POCO F1, OnePlus 6, 60, Vivo Nex, ASUS का ROG Phone। वहीं बात करें स्नैपड्रैगन के 855 प्रोसेसर की, तो इसे अनाउंस किया गया था December 5, 2018 को। GPU के बारे में बात करें, तो इसमें देखने को मिलता है एड्रेनो का 640 GPU, जो HDR गेमिंग सपोर्ट करता है विद 120 FPS पे। आपको इसमें 4K 60 FPS HDR वीडियो रिकॉर्डिंग करने का भी फीचर दिया जाता है। तो ये रहे कुछ स्मार्टफोन जिसमें आपको स्नैपड्रैगन 855 प्रोसेसर देखने को मिला था, जैसे कि Xiaomi का Redmi K20 Pro, ASUS का 6Z, OPPO Reno 10X Zoom। तो अब बात करते हैं स्नैपड्रैगन के 855 प्लस प्रोसेसर की, जिसे अनाउंस किया गया था July 5, 2019 को। तो ये रहे कुछ स्मार्टफोन जिसमें हमें 855 प्रोसेसर देखने को मिला था, OnePlus 70, 70 Pro, Xiaomi का Mi 9 Pro, ASUS का ROG Phone 2। और यही बात करें हम स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर की, तो इसे अनाउंस किया गया था December 4, 2019 को। और इसमें हमें ऐसा बताया जा रहा है कि इसमें 25% फास्टर ग्राफिक रेंडरिंग है और 35% ये मोर एफिशिएंट है 855 प्लस से। तो ये रहे वो कुछ स्मार्टफोन जिसमें हमें स्नैपड्रैगन का 865 प्रोसेसर देखने को मिल सकता है, जो है IQ3, Realme X50 Pro, OPPO Find X 2। बात करते हैं बोनस फैक्ट की। क्वालकॉम ने स्नैपड्रैगन 802 चिप और 8092
स्मार्ट टीवीज के लिए अनाउंस किए थे, लेकिन बाद में उन्होंने इसके रिलीज के लिए डिक्लाइन कर दिया क्योंकि मार्केट में इन प्रोसेसर को उतना सपोर्ट नहीं मिला। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। होप करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।